लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी बने सेना के वाइस चीफ, जनरल एमवी सुचेंद्र होंगे उत्तरी कमान के चीफ। भारतीय सेना में आंतरिक फेरबदल करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार को नई जिम्मेदारी दी गई। भारतीय सेना में सोमवार 5 फरवरी को आंतरिक फेरबदल किया। सेना के उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जिम्मेदारी दी गई है। वो ये पद 15 फरवरी को संभालेंगे। वहीं अभी तक भारतीय सेना के उप प्रमुख रहे लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार उत्तरी कमान के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह लेंगे। हाल ही में जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार को तत्कालीन वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू की जगह नियुक्त किया गया था। सेना के उत्तरी कमान का काम पाकिस्तान से लगती भारत की सीमा और चीन से लगते बॉर्डर की सुरक्षा करना है। इसके अलावा इस कमान की जम्मू कश्मीर में आतंकवादी विरोधी अभियानों में भी अहम भूमिका रहती है। सेना के उत्तरी कमान के कमांडर की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऐसे समय पर संभाली थी जब भारत और चीन की सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख में टकराव हुआ था। दोनों देशों के बीच कई दौरा की वार्ता हो चुकी है। बता दें कि सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने गुरुवार 1 फरवरी को कहा था कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास हालात स्थिर है लेकिन संवेदनशील है। हम क्षेत्र में किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। सेना से जुड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।